नमस्कार आज की इस वीडियो में है आपके आखिरी सेमेस्टर का सिलेबस यानी ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर है आपका सिक्स सेमेस्टर यहाँ आपको जैसे आपने फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर दिए थे उसी प्रकार यहाँ भी सिक्स सेमेस्टर में भी दो पेपर होंगे तो फर्स्ट पेपर में तो जो है आपको वही पेपर देना है लेकिन सेकेंड पेपर में आपको चॉइस है यानी दो में से आप एक चूज कर सकते हैं तो सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश और इसका सिलेबस देखिए क्रेडिट्स वही फाइव हैं और मार्क्स का डिवीजन सेम है ट्वेंटी फाइव मार्क्स इंटरनल है सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी से आएगा और टॉपिक्स देखिए यूनिट फर्स्ट में आपके लिए है महात्मा गांधी और उनकी रचना हिंद स्वराज से ये चैप्टर नंबर सेवेंटीन है पैसिव रेजिस्टेंस और चैप्टर नंबर एटीन है एजुकेशन और या फिर स्वामी विवेकानंद का शिकागो स्पीच है एलेवेंथ सेप्टेंबर और ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर एटीन नाइन्टी थ्री तो इसमें से एक स्पीच अपलोडेड है और आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बच्चों ने उसको पढ़ा है दूसरा स्पीच मैं जल्दी अपलोड करूँगी और ये हिंद स्वराज वाले चैप्टर्स भी अपलोड करूँगी काफ़ी कुछ आपके फिफ्थ सेमेस्टर में रह गया था ज़्यादातर तो मैंने कोशिश की अपलोड करने की आ, आगे बढ़ते हैं ये पेज ये सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर इसी तरीके से दिया हुआ है तो सिलेबस तो वही रहेगा सेम रहेगा आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों ये देखिए सेकंड यूनिट में पोइट्री है तो फर्स्ट यूनिट आपकी प्रोज की थी और सेकंड यूनिट में पोइट्री है जिसमें चोरू दत्त की पोइम है लक्ष्मण निसिम एज की पोईम है द पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर कमला दास की पोईम है एन इंट्रोडक्शन रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग वन फ्रॉम गीतांजलि। हालांकि इससे पहले जब मेरे पास सिलेबस था यूपीएचईडी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके निकाला था उस वक्त तक हमारी यूनिवर्सिटीज ने अपने चेंजेस नहीं किए थे Uh, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को uh, ये राइट्स मिले थे कि हम थर्टी परसेंट उसमें से चेंज कर सकते हैं uh, तो उस वक्त ये सिलेबस डिफरेंट था यहाँ पोइम्स भी अलग थीं और वो जो प्रोज वाला सेक्शन था वो भी अलग था तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ये सॉन्ग थोड़े चेंज कर दिए हों तो क्योंकि सॉन्ग्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं इनको मैं सभी को अपलोड करूँगी ये छोटी छोटी पोइम्स हैं एन इंट्रोडक्शन भी uh, ज़्यादा बड़ी नहीं है पोइम फिर आते हैं ड्रामा तो पहले जो हमारे यहां ड्रामा था महेश दत्तानी का सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर था और वो मैंने अपलोड भी किया था अब यहां पर है द मॉर्निंग रागा आसिफ करीम भाई का है द डोल ड्रमर्स और तो ये हुआ यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ में फिक्शन है कमला मार्कंडे का नेचर इन अ सी और नदीम गोडिमर का अ गेस्ट ऑफ ऑनर फिर हम आते हैं प्रोज सेक्शन पर आ, यानी जो फिफ्थ यूनिट है उसमें फिर से प्रोज हैं हमारे पास और यहाँ फ्रांस फेनन है ब्लैक स्किन वाइट मास्क चैप्टर फोर और निवेदिता मैनन का है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट चैप्टर सेकेंड यहाँ यूनिट सिक्स है और फिर यहाँ पर पोइट्री है और यहाँ पहली पोइम है पेब्लो नेरुडा की इफ यू फोगेट मी मार्गरेट एडवर्ड की है स्पेलिंग्स पैट्रिक वाइट ये यहाँ पर गलत एंट्री है ये पोईम नहीं है तो ये रिमूव होगा आ, इस पर अभी डिसाइड नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने कि इसको हटाकर हम किसको रखेंगे ये तो सर्टेनली रिमूव होगा पैट्रिक वाइट का वॉस ये पोइट्री का पार्ट नहीं है तो ये यहाँ से रिमूव होगा आपके यहाँ भी रिमूव होगा चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों यूपी की ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटीज़ का यही सिलेबस है तो आपके यहाँ भी यूनिवर्सिटी में आ, मैंने एम जे पी महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा वहाँ भी यही दे रखा है लेकिन वहाँ से भी ये रिमूव होगा तो ये हटेगा कोई और ऑथर या तो इसकी जगह आएगा वरना तो फिर यही रहेंगे ये इसको हटा दिया जाएगा जुड इथ राइट इसका है द कंपनी ऑफ लवर्स फिर यूनिट सेवेंथ में फिक्शन है और यहाँ नदीम गोडिमर का है अ गेस्ट ऑफ ऑनर ये इन्होंने रिपीट कैसे कर दिया यहाँ नहीं होना चाहिए ये ऊपर इन्होंने फोर्थ यूनिट में भी दे रखा है जो मेरे पास पहले सिलेबस था यूपीएचईडी की वेबसाइट का वो सिलेबस बिल्कुल सही था उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी ये अब सभी यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस अपलोड किया गया है और इसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज कर रखी हैं इतनी गलतियाँ कर रखी हैं अब देखिए इसी को रिपीट कर दिया इन्होंने अगेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ फोर्थ यूनिट में भी दिया हुआ है और यहाँ सेवेंथ यूनिट में भी दिया हुआ है लेकिन कोई दिन नहीं एक बार ही पढ़ है आपको फिर वी एस का है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास या फिर इंदिरा गोस्वामी द मथ ईटन होदा ऑफ द टस्कर अब ये यहाँ पर और लगा हुआ है और का मतलब आपको दोनों में से एक पढ़ना है लेकिन ये और आपको तब काम आता है जब डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जब एम बेस्ड एग्जाम होता है जैसे आप अभी तक देख चुके हैं पिछले सालों में अप, अपने पिछले सेमेस्टर्स में कि इस और का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों में से ही आते हैं तो यहाँ इस और का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको फिर देखिए यूनिट एट्थ में ड्रामा है वोल का द लाइन एंड द ज्वेल या फिर ट्रे एंथनी द किंग इन माई हेयर तो ये टोटल आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का और ये सेकेंड पेपर है आप इसको चूज़ कर सकते हैं या इसके बाद जो एक और पेपर है आप उसको चूज़ कर सकते हैं दोनों में चॉइस रहेगी वैसे आ, मेरे हिसाब से आपको कम्पेटिवली ये पेपर इजी रहेगा लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ तो यहाँ कुछ फिल्में आप देखेंगे और जिन वर्क्स पर वो बेस्ड हैं वो वर्क्स आप पढ़ेंगे दोनों की एक कम्पेटिव स्टडी होगी तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छा रहेगा और मैं भी कोशिश करूँगी इसमें जितना अपलोड कर पाऊँ आपके लिए देखिए यूनिटफर्स्ट जेम्स मोनेको द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइन एंड सिंटेक्स इन हाउ टू रीड अ फिल्म द वर्ल्ड ऑफ मूवीज मीडिया एंड मल्टी मीडिया न्यूयॉर्क ओ यूपी टू थाउजेंड नाइन चैप्टर थ्री और ये पेज 172 सेवन टू टू तो ये आपको पढ़ना है ओ मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश है ये और सेकेंड यूनिट में देखिए विलियम शेक्सपियर द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड इट्स अडेप्टेशन अंगूर तो अंगूर फिल्म तो आपने देखी होगी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा 1982 फिल्म डायरेक्टेड बाय गुलजार बहुत अच्छी फिल्म है संजीव कुमार हैं इसमें Uh, और ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड है तो आपको द कॉमेडी ऑफ एरर्स भी पढ़नी होगी शेक्सपियर का ड्रामा है फिर uh, देखिए यूनिट थर्ड में खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान एंड इट्स एडेप्टेशन ट्रेन टू पाकिस्तान ये 1998 में एक फिल्म बनी है डायरेक्टेड बाय पैमेला रॉक्स तो ये भी आपको ट्रेन टू तो पाकिस्तान पढ़ना होगा और ये फिल्म भी देखनी होगी फिर एक कंपेरिटिव स्टडी आप कर पाएंगे यूनिट फोर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर काबुली वाला आहा, क्या कहानी है जबरदस्त कहानी है ये मैंने अपलोड की हुई है आप उस कहानी को देख लीजिएगा एंड इट्स एडेप्टेशन काबुली वाला वो ये फ़िल्म भी अच, बहुत अच्छी थी आ, बलराज साहनी थे इसमें 1961 की फिल्म है डायरेक्टेड बाय हेमन गुप्ता और इसके बाद यूनिट फिफ्थ में देखिए रस्किन बॉन्ड अ फ्लाइट ऑफ पिजन एंड इट्स एडेप्टशन जुनून 1978 फिल्म बाय श्याम बेनेगल तो ये जुनून फिल्म आप देख लीजिएगा फिर यूनिट सिक्स देखिए आर के नारायण द गाइड हाँ हाँ क्या नॉवल है और क्या गजब फिल्म है नाइन गाइड है 1965 की फिल्म है बाय विजय आनंद और देवानंद इसमें हीरो हैं वहीदा रहमान इसमें हीरोइन हैं और क्या गजब का म्यूज़िक है कांटों से खींच के ये आँचल बांध के तोड़ के बंधन बांध ही पायल आज फिर जीने की तमन्ना है गज़ब का गाना है ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी हालांकि जो इसमें वैल्यूज़ हैं आ, वो थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं कि जो वहीदा रहमान हैं उनके पति एक हिस्टोरियन हैं मतलब जो एंशियट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है ना तो उसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और जो देवानंद हैं वो उनके प्रेमी हैं तो ये विवाहित संबंधों का पर आधारित है तो वो उतनी अगर हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो उतनी पसंद आपको नहीं आएगी लेकिन आप देख सकते हैं अच्छी फिल्म है और देख सकते हैं क्या देखनी ही होगी आपके सिलेबस में जो है और आपको क्वेश्चन आंसर तो लिखने तो देखनी ही होगी फिर यूनिट सेवेंथ देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग डायलॉग राइटिंग तो ये आपको यहाँ स्क्रिप्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी डायलॉग लिखने की प्रैक्टिस की करनी होगी इतनी फिल्में आप लोगों ने सभी ने देख ही रखी हैं तो डायलॉग्स आराम से लिख सकते हैं तो ये एक यूनिट और होनी चाहिए हाँ ये है ना एट्स यूनिट में मूवी रिव्यू एडिटिंग नरेशन तो मूवी रिव्यू आपको लिखना आता ही है फ्राइडे uh, को मूवी रिलीज़ होती है सैटरडे को सारे न्यूज़पेपर्स में मूवी रिव्यू आता है तो सैटरडे का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए हिंदी वाला पढ़िए इंग्लिश वाला पढ़िए उसमें मूवी रिव्यू आता है सैटरडे में तो आप उससे सीख सकते हैं एडिटिंग्स और नरेशन ये आपको करना होगा तो इस पेपर में टोटल इतना है फिर जो दूसरा पेपर है वो देखिए अच्छा सेकंड पेपर के सेकंड ऑप्शनल पर जाने से पहले एक बार ये जो फर्स्ट पेपर है इसका ये वर्जन देखिए कि अभी हमने जो फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का ये दोनों चैप्टर्स तो सेम हैं यहाँ लेकिन जो दूसरा ऑथर है यहाँ उर्वशी बुटालिया है और अभी मैंने जो आपको फर्स्ट पेपर में बताया था स्वामी विवेकानंद का, का शिकागो स्पीच बताया था तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो हमारी पुरानी थी उस पर ये वाला अपलोडेड था और नई वाली वेबसाइट अभी उसमें काम चल रहा है तो वो शो ही नहीं कर रही है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि आपके सिलेबस में उर्वशी बुटालिया भी हैं है ना? स्वामी विवेकानंद के स्पीचेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं छोटे छोटे ही हैं तो उनको तो पढ़ ही लीजिए उनमें से एक स्पीच अपलोडेड है दूसरा भी मैं अपलोड करूँगी और ये वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया तो ये उर्वशी बुटालिया के आप नोट कर लीजिए है ना मेमोरी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ साइलेंस और ये वर्सेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया अच्छा यहाँ फिर आप पोइम्स में भी थोड़ा चेंज देखेंगे तो अभी मैंने जो आपको पोइम्स बताई इससे पहले और यहाँ देखिए यहाँ जो पोइम है लक्ष्मण तो सेम है और नसीम एजल की पोइम चेंज हो गई है ये है अ पोइम ऑफ डेडिकेशन तो ये अपलोडेड है एक बार उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप हंगर है जयंत महापात्रा की ये भी अपलोडेड है इसका वीडियो आप देख लीजिएगा है ना अगर नहीं भी है आपके सिलेबस में तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में बड़ा कंफ्यूजन है पब्लिशर्स भी कन्फ्यूज हैं जो अभी बुक्स निकाल रहे हैं जिनकी बुक्स तैयार हो रही हैं सिक्स सेमेस्टर की क्योंकि बुक्स अभी मार्केट में आई नहीं है पब्लिकेशन्स तैयार कर रहे हैं तो उनके भी कई बार फोन आए हैं और वो खुद भी परेशान हैं कि मैडम इनमें से हम कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करें तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई सारे इंक्लूड करो जो भी है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एक दो पोइम्स इधर उधर हो जाती हैं जैसे कि अभी जो टेनेसी विलियम्स का था हमारे यहाँ पर था आ, आ, स्ट्रीट कार्ड नेम डिज़ायर और कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में द ग्लास मैनेजर ही था तो एक दो पोइम्स इधर उधर हो जाती हैं और पब्लिशर्स को हम तो यही बोलते हैं कि आप सारी इंक्लूड कीजिए अपनी बुक्स में तो ये थोड़ा सा यहाँ चेंज है और महेश दत्तानी का मैंने आपको बताया था सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर ये पहले भी रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में तो आ, हमारी यूनिवर्सिटी इसको हटाएगी नहीं ये हमने रिकमेंड भी किया था जब मीटिंग हुई थी तो यही रहेगा सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर और ये मैंने अपलोड किया है पूरा अपलोड किया है आ, ये आप देख लीजिएगा और आसिफ करीम भाई का ये तो वही है तो ये मैंने अभी भी बताया था आपको आ, इधर फिक्शन वाले सेक्शन में कमला मार्कंडे का नेक्टरिंदा सी और मुल्क राज आनंद का अनटचेबल तो अनटचेबल पर वीडियो अपलोडेड है वो आप देख लीजिएगा इसमें से काफ़ी कुछ अपलोडेड है प्रोज वाला सेक्शन वही है जो अभी आपको बताया इसमें कोई चेंज नहीं है और ये जो पोइट्री वाला सेक्शन है ये भी सेम है इसमें कोई चेंज नहीं है और ये पैट्रिक वाइट वाला बॉस ये तो हटेगा ही क्योंकि ये पोइट्री का पार्ट है ही नहीं यूनिट सेवेंथ और यूनिट एट्थ में कोई चेंज नहीं है ये सेम है ठीक है अब देखिए ये जो सेकंड पेपर है अब इस पर को देखिए यहाँ भी थोड़ा सा चेंज है बहुत ज़्यादा नहीं फर्स्ट यूनिट में कोई चेंज नहीं है सेम है सेकेंड यूनिट में भी कोई चेंज नहीं वही है कॉमेडी ऑफ फेरर्स थर्ड यूनिट भी सेम है ट्रेन टू पाकिस्तान और फोर्थ यूनिट रविंद्रनाथ टैगोर काबुली वाला वही है अब यहाँ जो फिफ्थ यूनिट है अभी जो मैंने आ, आपको बताया था वहाँ रस्किन बॉन्ड था रस्किन बॉन्ड का अ फ्लाइट ऑफ पिजन और उसका एडेप्टेसन जुनून नाम से फिल्म थी 1978 की श्याम बेनेगल की और यहाँ फिफ्थ यूनिट में दे रखा है विलियम शेक्सपियर का मैकबैथ और उसका एडेप्टन मकबूल तो मकबूल फिल्म आपने देखी होगी ये भी बहुत अच्छी मूवी थी विशाल भारद्वाज की वो तीनों मूवीज आप देख लीजिए मकबूल है जो कि मैकबैथ पर बेस्ड है ओंकारा है जो कि ओथेलो पर बेस्ड है और हैदर जो कि हेमलेट पर बेस्ड है तीनों ही मूवीज बहुत अच्छी हैं और उनको आप देख लीजिए लेकिन यहाँ सिलेबस में विलियम शेक्सपियर के मैकबैथ पर बेस्ड मकबूल दे रखी है तो ये मूवी भी आप देख लीजिए मैगबैथ मैंने पूरा अपलोड किया ही हुआ है वो आप पढ़ लीजिए फिर यहाँ सिक्स यूनिट में भी अलग है अभी जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ आर के नारायण का द गाइड था सिक्स यूनिट में यहाँ चेतन भगत का द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ और उसका एडेप्टेशन काइपोजे है काइपोजे फिल्म आपने देखी होगी 2013 की फिल्म है बहुत हिट तो नहीं हुई थी लेकिन ठीक थी फिल्म आपको वीडियो मिल जाएगा आप देख लीजिएगा और आगे सेवेंथ और एट्थ यूनिट में यहाँ कोई चेंज नहीं है तो ये इतना सा चेंज था इसलिए मैंने आपको ये दूसरा वर्जन दिखाया और आप दोनों ही तैयार कर लीजिए ठीक है फिर अब हम चलते हैं सेकेंड पेपर का सेकंड ऑप्शनल और इस पेपर का नाम क्या है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग यहां देखिए फर्स्ट यूनिट में एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म मीडिया एंड सोसाइटी प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म टूल्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट में इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया सोशल मीडिया टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया इसे आप परिचित होंगे खूब आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं तो ये उसी पर बेस्ड है सोशल मीडिया पर और ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सेकेंड यूनिट तो आप आराम से तैयार कर लेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया ऑनलाइन जर्नलिज्म बेसिक्स ऑफ साइबर मीडिया और यहाँ थर्ड यूनिट देखिए कोर स्किल्स इन प्रिंट मीडिया रिटन इंग्लिश प्रेसी पैराग्राफ एसे न्यूज़ रिपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट फाइव डब्ल्यूज हेडलाइन राइटिंग टाइप्स ऑफ लीड्स एंड रिपोर्ट राइटिंग फिर देखिए ये फोर्थ यूनिट है कोर स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें है पब्लिक स्पीकिंग न्यूज़ प्रोडक्शन रिपोर्टिंग एंड प्रजेंटेशन फॉर रेडियो न्यूज़ प्रोडक्शन रिपोर्टिंग फॉर टेलीविज़न तो रेडियो और टेलीविज़न दोनों का है रिपोर्टिंग न्यूज़ प्रजेंटेशन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिविटी एक्यूरेसी स्पीड क्लैरिटी एंड इंटेग्रिटी तो ये सब बेसिक्स हैं आ, मीडिया के अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है एक्यूरेसी नहीं है क्लैरिटी नहीं है है ना तो उनकी न्यूज कौन देखेगा फिर देखिए क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ यूनिट बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग न्यूज वैल्यू न्यूज़ गैदरिंग रीडर्स इंटरेस्ट क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर अ रिपोर्टर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको अभी पढ़ के डिफिकल्ट लग रहे होंगे चीज में लेकिन ये बहुत इजी हैं आराम से आप कर पाएंगे फिर सिक्स यूनिट देखिए बेसिक्स ऑफ फीचर राइटिंग टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑबिट्स रिव्यूज कॉलम्स ट्रेंड स्टोरीज फिर देखिए सेवेंथ यूनिट बेसिक्स ऑफ एडिटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग एडिटोरियल पॉलिसी रोल ऑफ द एडिटर रोल ऑफ द न्यूज एडिटर रोल ऑफ चीफ सब एडिटर रोल ऑफ सब एडिटर्स और लास्ट यूनिट है एर्थ यूनिट एडवर्टाइजमेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एडवर्टाइजिंग एथिक्स हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स स्टोरी बोर्ड्स तो आप इतने एडवर्टाइजमेंट्स रोजाना तो देखते ही हैं टी वी पर देखते हैं मोबाइल पर देखते हैं आ, तो आपको अच्छा ख़ासा पहले ही नॉलेज होगी एडवर्टाइजमेंट्स की और उसी चीज़ को लिखना difficult तो नहीं होगा आपके लिए आसान ही होगा तो बिल्कुल घबराइएगा मत परेशान मत होइएगा आपका सिलेबस बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है और यहाँ तो आपके पास ऑप्शन भी है आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन है हुआ तो आपको फिल्म देखनी है है ना कुछ वर्क्स पढ़ने हैं और फिल्म देखनी है तो बहुत ईजी है आपके लिए और कुछ डिफिकल्ट होता भी है तो मेरे साथ वो भी नहीं रहता <laughs> फिर आप कहेंगे मैडम कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अपलोड करने की लेकिन आप समझते ही हैं जॉब और फैमिली सब कुछ इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सिक्स सेमेस्टर में आपका साथ निभा पाऊँ और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी धन्यवाद